हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट्स। आप लोगों को इस चैनल पर दोबारा स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह का अपडेट सबसे पहले आपको दिया जा सके। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, यह दिल्ली यूनिवर्सिटी की एमए हिस्ट्री की सेकेंड एडमिशन लिस्ट जारी हो चुका है और ये मेरिट बेस्ड वालों के लिए है, जो मेरिट के लिए है, मेरिट बेस्ड के लिए है। क्योंकि इससे पहला मेरा जो वीडियो है वो एंट्रेंस बेस पर था और उसमें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया है और पूरी जो है उसमें डाउट जितना भी था क्लियर किया है और उसमें एक्सपेक्ट भी किए थे हम लोगों ने कि थर्ड लिस्ट भी आएगा। तो इसमें भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड लिस्ट भी रिलीज होगा। तो आइए देख लेते हैं अनरिजर्व में कितने कैंडिडेट जो हैं सिलेक्ट हुए हैं और इनका जो मेरिट है कितने तक गया है। तो यहाँ पर आप मार्क्स देख सकते हैं, 91.60 है जिनका। सिमरन धाल इनका नाम है। आप इनका जो है डिपार्टमेंट यानी कॉलेज भी देख सकते हैं और ये लोग जो है अपना कल जाकर एडमिशन ले सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। तो आइए मैं पेज को रोल कर देता हूं और सब आप जो है अपना रोल नंबर और नाम और जो अलॉटेड हुए हैं कॉलेज उसका नाम और रैंक और मार्क्स सारी चीज़ें आप सामने देख सकते हैं। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अनरिजर्व का सेकंड पेज है और ध्यान रखिएगा ये मेरिट बेस वालों के लिए है, जिनका मेरिट पे एडमिशन होने वाला है ये उनके लिए है, ये एंट्रेंस वालों के लिए नहीं है। तो ठीक है, मार्क्स आप देख सकते हैं जिनका लास्ट मार्क्स है वो 66.11 है। इनका अनरिजर्व में जो है एडमिशन के लिए जो है नामांकन के लिए जो है नाम आ चुका है। ये सारे कैंडिडेट जाकर कल एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में देख लेते हैं कि लास्ट मार्क्स कितना है और हाईएस्ट मार्क्स के लिए कितना है। तो 69.57 जो है हाईएस्ट है सेकेंड लिस्ट में और जो लास्ट मार्क्स है मैं आप लोगों को शुरू से पूरे कैंडिडेट का नाम भी दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं ये उसका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो है सेकंड पेज है। तो सेकंड पेज पे आप देख सकते हैं लास्ट मार्क्स जो है 61.59 है और आप पूरा कैंडिडेट का नाम भी देख सकते हैं। मैं पेज को पूरी स्क्रॉल कर देता हूं और आपको जो कॉलेज अलॉटेड हुए हैं उसी में जाकर आप एडमिशन लीजिए और अपना टाइम पे जाइए। पूरा इससे रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं आपको मेरे एक वीडियो है उस पर देख सकते हैं। पीजी से थंबनेल लिखा हुआ है पीजी डॉक्यूमेंट्स, तो आप उसको देख लीजिए। सारा डॉक्यूमेंट्स आपको वही चीज़ें ले जानी है। इसके बाद ये है एससी कैटेगरी के लिए, आप देख सकते हैं एससी वाले के लिए जो एससी का हाईएस्ट मार्क्स है वो 65.47 है और लास्ट देख लेते हैं कि कितना गया। लास्ट देख सकते हैं 59.95 गया है और एसटी के लिए देख लेते हैं, एसटी का जो हाईएस्ट मार्क्स है 65.17 और जो लोवेस्ट है 61.10 है। आप पूरा नाम भी कैंडिडेट का देख सकते हैं और ये है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इसमें अभी कोई कैंडिडेट के लिए इसमें नाम नहीं है, तो कोई कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है इसमें। तो आप जो है आप थर्ड लिस्ट के लिए वेट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट है कि थर्ड लिस्ट भी जारी होगा। तो आप जो है अपना मार्क्स के अनुसार आप देख सकते हैं कि आपका, अगर आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए, अगर जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का लास्ट यानी मिनिमम जो मार्क्स है उसको देखिए और उसके आसपास अगर आप हैं तो थर्ड लिस्ट में आपका नाम आना तय है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ न्यू वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके जो जवाब है उसका रिप्लाई बहुत जल्द दूंगा। थैंक यू।